What is up guys, welcome back to my channel everyone, I hope you're doing absolutely fine. तो भाई लोग कैसे हो? So भाई लोग यार आज यू गाइस फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ मैं वापस ना, आज का गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज किस वाली गेम प्ले पे मैं करने वाला था कुछ और हो गया कुछ और। जी हाँ दोस्तों, आज किस वाली गेम प्ले पे मैं AWM चैलेंज करने वाला था लेकिन हो क्या गया वो तो आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। बाकी देखते रहना गेम प्ले को पूरा एंड तक क्योंकि गेम प्ले बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। अब फिलहाल तो यहाँ पर मैं बगी वगी ले चुका था लेकिन तभी ये भाई साहब कहाँ से उतरा और ये मेरा ही बगी लेने के लिए उतरा था लेकिन उससे पहले मैंने ही ले लिया। अब इसका पेटी तो बनाना होगा तो इसके लिए इसको थोड़ा सा चाल में फंसाते हैं, उसको बुलाते हैं बाहर और देखो और इसका पेटी बना देता हूँ बहुत ही प्यार से। इसी बात पे एक लाइक तो भाई बनता है, तभी कभी चाहो यार वीडियो को लाइक मार दो। बाकी इसको भी निपटा देता हूँ, निपटाने के बाद गैस यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूटा लाटी नहीं करता हूँ क्योंकि उसके पास कुछ भी लूट होता ही नहीं है। उसके बाद मैं इधर की तरफ आ जाता हूँ, यहाँ पर मेरे को कुछ मिलता है फर्स्ट एड किट वगैरह तो यहाँ पर चलो ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हीलिंग वगैरह ले लिया, उसके बाद यहाँ पर मेरे को पेट्रोल मिल जाता है तो यहाँ पर मैं पेट्रोल ले लूँगा, फ्यूल ले लूँगा। आगे चल के जब मैं लॉन्ग ड्राइव करूँगा तो मेरे को वापस मतलब गाड़ी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फ्यूल भर सकता हूँ मैं। बाकी उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मेरे को दूर से ही कुछ हीलिंग वगैरह दिख चुका था तो चलो ले लेते हैं। बाकी उसके बाद गाइस मैं सीधा निकल चुका था और जैसे कि तुम देख सकते हो ड्रॉप भी आ चुका है फर्स्ट वाला ड्रॉप, तो चलो फर्स्ट वाला ड्रॉप लूट के आते हैं, देखते हैं फर्स्ट वाले ड्रॉप अपन को क्या मिल सकता है। क्या पता फर्स्ट वाले ड्रॉप में ही मेरे को AWM मिल जाए, तो चलो गाइस देखते हैं। अब यहीं पर ही गिरने वाला है वो देखो। चलो गाइस इस वाले ड्रॉप को लूटते हैं, देखते हैं इस वाले ड्रॉप अपन को क्या मिलेगा। दोस्तों फर्स्ट वाले ड्रॉप पे मेरे को ग्रोजा मिल जाता है और पबजी लाइट का एक सिचुएशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी फर्स्ट वाला ड्रॉप लूटोगे ना और फर्स्ट वाले ड्रॉप पे शायद अगर कभी भी आप लोगों को AWM मिल जाए तब तो गाइस आप लोगों को 120% पूरे गेम प्ले पे 3-4 AWMs और भी देखने को मिलेगा। ये पबजी मोबाइल लाइट का सीन है गाइस क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है। और देखो इस वाले गेम प्ले पे फर्स्ट वाले गेम प्ले पे मेरे को ग्रोजा मिलता है जो कि AR गन होता है, ठीक है तो मेरे को ग्रोजा मिलता है तो आगे चल के देखना मैं 120% दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि आगे चल के मेरे को AWM नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यार मेरे को पता है गाइस कि ऐसा होता है सीन लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा था क्या पता इसका जो लॉजिक है या फिर इसका भी जो भी सिस्टम है ये थोड़ा सा चेंज हो जाए और लकीली मेरे को AWM मिल जाए, तो इसीलिए मैं पूरा गेम प्ले को खेलूँगा और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है गेम प्ले को, बस देखते रहना है गेम प्ले पूरा एंड तक। बाकी उसके बाद मैं सीधा बगी भी पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ सेकंड वाला ड्रॉप को लूटने एंड सेकंड वाला ड्रॉप गाइस फ्लैट ड्रॉप था तो मैंने सोचा चलो फ्लैट ड्रॉप को भी लूट के आता है, देखते फ्लैट ड्रॉप अपन को क्या मिल सकता है और क्या पता फ्लैट ड्रॉप में मेरे को AWM मिल जाए क्योंकि ज़्यादातर फ्लैट ड्रॉप में AWM ही देते हैं ये लोग, तो चलो गाइस देखते हैं फ्लैट ड्रॉप अपन को क्या मिलेगा। अब देखो फ्लैट ड्रॉप जो है वो किसी बंदे ने चलाया होगा तो उसका मतलब उसका जो बंदा होगा जिसने मंगाया है फ्लैट ड्रॉप वो वहीं पर ही हो सकता है, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सतर्क होकर जा रहा था लेकिन यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था। उसके बाद मैं थोड़ा सा लूटने के लिए उतरा, गाइस मेरे पे तगड़ा वाला फायर होता है, उसका बंदा यहीं पर ही कहीं पर छुपा हुआ होगा और जो कि मेरे पर फायर भी किया। उसके बाद गाइस एक नॉर्मल ड्रॉप भी गिरने वाला है तो उसको भी देखने के लिए मैं जा रहा था, तो चलो एक बार नॉर्मल ड्रॉप देख के आते हैं एंड देखते हैं उसमें क्या मिलेगा। और यहाँ पर देखो सीन देखो स्टंट देखो, ओए होए कते धूम मचा ले। बाकी उसके बाद जाता हूँ मैं सेकंड वाले मतलब ये सेकंड वाला ड्रॉप ही है क्योंकि सेकंड वाले में तो फ्लैट ड्रॉप आया था तो नॉर्मल ड्रॉप जो है उसका सेकंड वाला ड्रॉप ये है, तो चलो इसको लूटते हैं देखते इसमें क्या मिलेगा अपन को। जिन दोस्तों इसमें तो भैया जी कुछ मिला नहीं लेकिन ये ऑलरेडी लूटेड होगा, तो यहाँ से मैं निकलने वाला होता हूँ और तभी मेरे को कुछ बंदे का फुटस्टेप वगैरह आता है जो कि फायरिंग वगैरह कर रहा था पीछे से और तभी मेरे को एक बॉट भी दिखता है। और
और इस बॉट भाई सबको मैं निपटा देता हूँ। निपटाने के बाद गाइस देखो यहाँ पर कोई बंदा RPG-7 चला रहा है, अब इसको निपटाना होगा। और RPG-7 वाले भाई सबको भी निपटा देता हूँ बहुत ही प्यार से। तो अब गाइस जो मैंने बोला कि जो चीज़ मैं करने के लिए आया था वो हुआ नहीं, कुछ अलग ही हो गया। और वो चीज़ ये है गाइस कि मेरे को RPG-7 लेना पड़ा। और बेसिकली बोल सकते हो कि अब मैं RPG-7 लेकर खेलूँगा, तो RPG-7 ओनली चैलेंज हो गया ये वाला गेम प्ले। बाकी क्या ही कर सकते हैं, मैं आया था AWM के लिए लेकिन मेरे को मतलब चलाना पड़ा RPG-7, ऑब्वियस ही बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब मेरे को AWM मिल ही नहीं रहा तो मैं RPG-7 ही चलाऊँ और बूम बम करूँ। उसके बाद मैं सीधा बग भी पढ़ता हूँ और यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखता है, ये देखो गाड़ी वीड़ी कहाँ पर चढ़ा दिया है और इसको क्या ही मारा गाइस, लिटरली मैं क्या ही मारा। इसी बात पे एक लग तो मैं बनता है, तो भी चाओ यार वीडियो को लाइक मार दो। बाकी इसको मैं निपटा देता हूँ, निपटाने के बाद किसी पर थोड़ा सा लूटा लाड़ी कर लेता हूँ। सीधा बग भी पढ़ता हूँ, निकलता हूँ। ये बॉट भाई सब कहाँ से आ गए, चलो इस बॉट पे को मैं निपटा देता हूँ और थोड़ा सा लूटा लाड़ी करता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। अब ज़्यादा बंदे बच भी नहीं है, सिर्फ 11 बंदे बचे हैं। तो मैं पूरा कोशिश करूँगा चिकन डिनर लेने का, ठीक है, तो कोशिश तो बनता है ना डूड। तभी यहाँ पर मैं गाड़ी घुमा ही रहा था, तभी मेरे को एक बगी वाला बंदा दिखता है और मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। तो चलो गाइस इसके पीछे पड़ते हैं, देखते हैं ये कहाँ तक भागता है। अब RPG-7 में ज़्यादा गोली है नहीं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कंजूसी करके चलाना होगा RPG-7 का गोली। जब मजबूरी में पड़ जाऊं तभी मैं शायद मेरे को चलाना होगा। बाकी टाइम मैं व्हीकल से इसको मारने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे तुम देख सकते हो। बाकी देखो यहां पर इसको किसी ने मार दिया और ये वाला बंदा ही उसको मारा था, तो चलो इसका भी पेटी बनाते हैं। और यहाँ पर मैं मजबूरी में पड़ चुका था तो इसीलिए इसको मारना पड़ा गाइस। ओके, क्योंकि यार ये वाला बंदा मेरे को डैमेज दे दिया था बहुत ज़्यादा, तो ये मेरे को मार देता, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पर चलाना पड़ा RPG-7। उसके बाद मैं सीधा बग भी पड़ता हूँ और सामने की तरफ जाता हूँ, सामने की तरफ ड्रॉप भी गिरा है, तो चलो इस वाले ड्रॉप को भी एक बार लूट के आते हैं, देखते इस वाले ड्रॉप अपन को क्या मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वाले ड्रॉप पे भी मेरे को MK-14 मिला और जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में ही, जो मेरा लॉजिक था वो एकदम ट्रू हुआ गाइस, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरा कि ऐसा होता है। क्योंकि मैं PUBG मोबाइल लाइट को बहुत अरसे से खेल रहा हूँ, लिटरली बहुत अरसे से, तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है कि इसमें क्या क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है और कैसे कैसे होता है। बाकी यहाँ पर एक ऊपर में बंदा है जिसको मैं नेड कर रहा था और नेड से वो डैमेज भी हो रहा था लेकिन मर नहीं रहा था। यहाँ पर मैं मॉली वगैरह भी फेंक रहा था लेकिन वो मर नहीं रहा था, आई डोंट नो क्यों।
अब देखो गाइस सिर्फ सिर्फ 3 बंदे बचे हैं, जिनमें से एक बंदा तो भैया जी टावर के ऊपर वो देखो चढ़ा हुआ है, और इसको तब से मैं ललकार रहा था भैया जी, लेकिन इसने मेरा हेडशॉट बचा दिया। बाकी उसको बस कार 98 था, अगर AWM होता तो शायद अभी तक मेरा पेटी बन जाता। वहाँ पर मैंने सोचा कि चलो यार उसके सामने ही जाते हैं, उसके बाद उसका पेटी बनाते, बहुत हो गया लफड़ा। लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ना नेड वगैरह नहीं था, तो यहाँ पर मेरे को स्मोक वगैरह ही फेंकना होगा और उसके साथ थोड़ा सा मज़ा लेना पड़ेगा।